बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अखिलेश यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हो सकता है। यूपी के सैफई में आज वोट डालने के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात की थी। बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि मीडिया से ये बातचीत मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के अंदर मीडिया से अखिलेश यादव बात कर रहे थे। तो वोटिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे के अंदर मीडिया से मुखातिब हुए अखिलेश यादव, ये आरोप बीजेपी ने लगाया। तो अखिलेश यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ यह मामला बड़ी खबर इस वक्त की। सैफई में आज वोट डालने के बाद अखिलेश ने मीडिया से बातचीत की थी, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि ये जो बातचीत हुई है मीडिया से वो मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर हुई है। इसी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है बीजेपी ने अखिलेश यादव की। बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है चुनाव आयोग में। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप अखिलेश यादव पर लगा है। दरअसल आज वोट डालने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए थे और इसी पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। सीधे रुक करेंगे, विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। विकास, बीजेपी का आरोप कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है अखिलेश यादव ने। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पोलिंग बूथ में जिस वक्त अखिलेश यादव बात कर रहे थे मीडिया से, वो पोलिंग बूथ का भीतरी गेट और बाहरी गेट के भीतर का हिस्सा था और पोलिंग बूथ के 130 मीटर के दायरे में मीडिया से बातचीत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। इसलिए अखिलेश यादव की शिकायत बीजेपी ने की है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बारे में रिटर्निंग ऑफिसर, उसने भी इस रिपोर्ट के बाद जो कलेक्टर यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें इस बात की तस्दीक की है कि पोलिंग बूथ से 130 मीटर के भीतर ही अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। ABP News, आपको रखे आगे।